दोस्तों अगर आप अपने YouTube वीडियो को या किसी भी वीडियो को काइन मास्टर एप्लीकेशन से एडिट करते हैं और आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पर लिख देता है अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, जैसा आप अभी साइड में स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है बार बार काइन मास्टर में किसी भी वीडियो को एडिट कर रहे हैं या अपने यूट्यूब चैनल का वीडियो को एडिट कर रहे हैं और ऐसा प्रॉब्लम आ जा रहा है अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, तो इसका 100% सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 16:9 रेशियो जो है जिसमें हम अपना यूट्यूब वीडियो को एडिट करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑल है, ऑल पे क्लिक करना है और आपका जो वीडियो जैसे मतलब एडिट करना है, जैसे ये वीडियो है 30 सेकंड का, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, यही मेरा प्रॉब्लम आ जा रहा है आपको। देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ नहीं होगा, अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट। अब इसको इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको हटाना है, तो इसको लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से हमको बाहर निकल जाना है, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं। उसके सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने फ़ोन के जो प्ले स्टोर है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको सर्च करना है वीडियो कन्वर्टर, ठीक है। वीडियो कन्वर्टर टाइप करके आपको सर्च करना है। सबसे पहले मैं अपना नेट ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए वीडियो कन्वर्टर आपको टाइप करना है और यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर देखिए ये एक अप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा, देखिए वीडियो कन्वर्टर कंप्रेसर, इसको मैंने पहले से मतलब इंस्टॉल करके रखा है क्योंकि कभी कभी मेरे को इसका ज़रूरत पड़ जाता है। अब आपको भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए ये ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर यहाँ पे कट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, अब सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वीडियो कन्वर्टर, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में जितना वीडियो है वो सारा वीडियो आपके फ़ोन में ये शो हो जाएगा, केवल वीडियो जो है वो शो हो जाएगा। अब जिस वीडियो को आपको यहाँ पे मतलब जो वीडियो आपके काइन मास्टर में नहीं एडिट हो पा रहा है, यहाँ पर लिख रहा है जिस वीडियो का आपका एडिट करते समय लिख रहा है अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो मेरा यही वीडियो था दोस्तों 31 सेकंड का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे नेक्स्ट, तो सबसे नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन। सिंपली सबको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखिए अब ये कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सेकेंड नंबर पर देखिए आ जाएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट पर आपको क्लिक करना है। पहले से आपका ये सिलेक्ट होगा MKV, यहाँ पे पहले से आपका ऐसा सिलेक्ट होगा फॉर्मेट पर MKV आपका सेलेक्ट होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे M4 यहाँ पे देखिए MP4 लिखा हुआ है, तो सिंपली से आपको यहाँ पे MP4 लिखा हुआ है, MP4 पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन भी आप अपना अकॉर्डिंग दें, तो मेरा यहाँ पे ठीक है 1920x1080 पिक्सल, ये आपका मतलब यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल MP4 आपको कर लेना है। और यहाँ पे देखिए गोल आ जाएगा कन्वर्ट, तो आपको सिंपली से कन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपका बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एड्स आ जाएगा तो आपको एड्स को यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, किनारे में देखिए ओके है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका काम खत्म। यहाँ से मैं चल जाता हूँ और फिर से यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन में मैं जाता हूँ। फिर से काइन मास्टर एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे देखिए नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। फिर से क्रिएट नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फिर से 16:9 रेशियो को चूज करके यहाँ पे नीचे स्टार्ट क्रिएट पर क्रिएट का जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपका ये काइन मास्टर ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, तो आपको देखिए फिर से ऑल पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए दो वीडियो था, पहले ये वीडियो मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये फिर से मैंने कन्वर्ट किया तो एक वीडियो आ जाएगा, दोनों 31 सेकंड का है। तो देखिए वो मेरा नहीं हो रहा था, अभी इस पर फिर से आपको न्यू वाला वीडियो जो है न्यू वाला वीडियो पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए दोस्तों ये एडिट होने के लिए रेडी हो गया। देखिए अब आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट वो खत्म हो चुका है। देखिए अब इसको मैं डिलीट करके और उस वीडियो को लेता हूँ, देखिए जैसे उस वीडियो को लेता हूँ जैसे ये वाला, तो देखिए यहाँ पे इसका प्रॉब्लम आ रहा है अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, ये नहीं हो पा रहा है एडिट, देखिए नहीं हो रहा है। और उसी वीडियो को ये दूसरा हो गया MP4 में, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये वीडियो एडिट होने के लिए रेडी हो गया, बहुत अच्छी क्वालिटी में, उसी क्वालिटी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।